बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां पर मौजूद मरकजी रुकन व सीनियर ज्वाइंट जोनल इंचार्जेस अराकीन डिस्ट्रिक्ट कमेटी, मुख्तलिफ टाउन से आने वाले जिम्मेदारान, एपी मेसो के साथी, सोशल मीडिया के साथी, हमारी बुजुर्ग कमेटी के हमारे सर के ताज और अजीज नजरियाती कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम। बेटा बेटा आपकी वजह से सारा प्रोग्राम खराब होगा। आप साउंड आप सही करें ना अपना। और इसी के साथ मैं अपने वार्ड वन के उम्मीदवार शहबाज भाई से, वार्ड टू के मोहम्मद ताहिर भाई से, आठ वार्ड के समीर भाई से, नौ वार्ड के नबीद भाई से और दस वार्ड के इरफान भाई से पांचों अरकान से दरखास्त करूंगा कि आगे स्टेज की तरफ तशरीफ लाएं और तालियों में लिए इस्तकबाल करें। और इसी के साथ में जो हमारे गवर्नर कैंडिडेट थे, नारे हमारे गवर्निंग कैंडिडेट बाबर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की तरफ तशरीफ ले आए। वार्ड टू के हमारे मलिक आमिर भाई से दरखास्त करूंगा कि आगे स्टेज की तरफ तशरीफ ले आए और साथियों से दरखास्त करूंगा वार्ड टेन के सुबेर भाई से, उनसे भी दरखास्त करूंगा कि आगे स्टेज की तरफ तशरीफ ले आए जल्दी जल्दी। और तमाम साथियों से दरखास्त करूंगा कि तालियों में इस्तकबाल करें कि ये वो लोग थे कि वो काबिज़ तोले के खिलाफ अपने नजरिए की बुनियाद के ऊपर डट के खड़े हुए। तालियों में इस्तकबाल करें इनका। नारे बेटा आपको पैसे नहीं दूंगा मैं, माइक सही नहीं है। हम वैसे आपस में चंदा करके करते हैं, हमारे पास ना सरकार खराब के पैसे हैं और ना हमारे पास कमीशन के पैसे हैं। हम चंदा करके प्रोग्राम करते हैं भाई। इस कमीशन खोरों के बाद हराम की कमाई होगी, हमारे पास हराम की कमाई नहीं है। तो तालियों में इस्तकबाल करें तमाम नजरियाती कारकुनों का, तालियों में इस्तकबाल होना चाहिए। इन्होंने साबित किया कि करप्शन के खिलाफ खड़े थे, इन्होंने साबित किया। और मैं तमाम अपने नजरियाती जो हमारे कैंडिडेट थे डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की जानिब से, तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट की जानिब से, तमाम कारकुनान की जानिब से जबरदस्त खराज तहसीन के मुस्तहिक कि हमारा वहां पे कोई एक तो साथी नहीं थे, लेकिन आज हमें वहां से इतने साथी मिल गए कि देख ले वो काबिज टोला, देख ले कि आज नजरियाती इंजन हैदराबाद के इंजन किसके पास है। साबित कर रहा है ये हुजूम कि तुमने जीत के भी इनके महादी और हार के भी इनके जीत गए।
चावल साथियों बैठे, सोचे आज कि तुमने जीत के क्या खोया, तुमने जीत के क्या चीज की, एमकेएम खोई और तुम्हें नजर आया कि शायद तुम हैदराबाद जीत गए, लेकिन आज हैदराबाद के कारकुनों ने फैसला दे दिया है कि क्या चीज की एमकेएम के बदले हैदराबाद लिया वो सौदा ना मंजूर है। अरे भाई, आज तो सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान मेहनत कर रहे हैं, फारूक भाई तो अभी आए नहीं है। सोचो कि अगर आज फारूक सत्तार भाई हैदराबाद में आते तो तुम्हारा क्या हाल होता, तुम जीत की खुशी के बाद भी 400 आदमी कई दूर पे जमा नहीं कर सके। अबे हम हार के भी 1000 कारकुनान को जमा कर लिया। शैतान-ए-रजीम, बिस्मिल्लाह-अर-रहमान-अर-रहीम, यहां पर मौजूद अजीज तहरीकी साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कोशिश की थी कि फारूक सत्तार भाई को हैदराबाद मधु करें, लेकिन फारूक भाई ने तमाम डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार को बता दूं कि फारूक भाई ने कहा वसीम भाई इस हैदराबाद बहादुराबाद टोले के लिए तुम अकेले ही काफी। फारूक भाई का तमाम साथियों को शाबाशी। जिस तरह हमने पूरे हैदराबाद शहर में इलेक्शन कंपेन की वो किसी भी पार्टी ने इलेक्शन कंपेन नहीं की, और उसी का ये सबूत है, उसी का ये सबूत है कि जितने वोट डाले थे सोशल मीडिया के जरिए दिखा दे कि इतने वोट डाले, अरे इतने वोट तो नहीं निकले। हाथ बुलंद करके बताएं भाई कितने वोट डाले, अरे कितने वोट डाले। अरे भाई जब इतने वोट डाले तो डब्बे से फिर गुने नाला क्यों नहीं निकला भाई। अजीज साथियों, आज आप लोगों को भुलाने का मकसद, सबसे पहले तो आप लोगों के ने जो मेहनत की उनको दिल की गहराइयों से डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की जानिब से मरकजी और तंजीम बहाली कमेटी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की जानिब से तमाम साथियों को जबरदस्त खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और आप लोगों की शाबाशी के लिए, आप लोगों के गुलबाशी के लिए, आपको इज्जत देने के लिए आपको यहां मधु किया है सर। नारे मोहल्ले। अब आ जाते हैं असल पॉइंट की तरफ। अजीज साथियों, आप सब जानते हैं बहुत सारे लोग हमसे कह रहे हैं कि यार आपने पतंग के खिलाफ इलेक्शन लड़ लिया, पतंग के खिलाफ इलेक्शन लड़ लिया। आज जरा संजीदगी के साथ, भाईजान आप भी खामोश हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, संजीदगी के साथ चंद जुमले आपके दोष गुजार करना चाहूंगा। ये एमकेएम हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 22 अगस्त के बाद 2017 में जब हमने UC 46 में, ये उन मुनाफिकों के लिए है जो ये कंपेन चला रहे हैं कि पतंग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, तो उनके लिए, उन मुनाफिकों के लिए ये पैगाम है कि 2017 में जब UC 46 का इलेक्शन हुआ तो हमारे डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के पास ये एमकेएम थी, और यहां से हमने हक परस्त कैंडिडेट को पतंग के निशान पे खड़ा किया था, याद है भाइयों? हम पतंग के निशान पे थे और वफा परस्त लोग गुले मक्के पे थे, मक्के पे, ठीक। तो उस वक्त हमारे पास पतंग थी, इंतखाबी निशान हमारे पास था, तो
उस वक्त के जो आज के बहादुराबाद के लोग सोन में बैठे हैं, तो उस वक्त वो लोग किसका काम कर रहे थे? मक्के का काम कर रहे थे। एक हैदराबाद का डिप्टी कन्वीनर, खुदा की कसम मुझे अच्छी तरह याद है कि वो उस यूसी 46 की पोलिंग कंपेन में नहीं आया, लेकिन वो कहां पे मीटिंग कर रहा है? इस्लामाबाद के सेक्टर ई के ऑफिस में मीटिंग की, वहां आया नहीं। क्यों? क्यों भाई क्यों? इसलिए कि आज जो बात करते हैं, आज जो जोन के अंदर बैठे हैं या आज जो राबता कमेटी के अंदर बैठे हैं, आज सोशल मीडिया के तवज्जो से, ओ भाई उस वक्त तो मक्के के लिए काम कर रहे थे और पतंग के लिए हम काम कर रहे थे, तो तुम किस मुंह से बोल सकते हो कि तुम पतंग के खिलाफ इलेक्शन लड़ लिया? अरे हमने पतंग के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारी एमकेएम एक थी, हम एमकेएम के वारिस हैं, एमकेएम हमने बनाई थी, एमकेएम की हिफाजत भी हम करेंगे। और तुमने उस वक्त मक्के की सपोर्ट की थी भाई, मक्के की। और मैं आंसुओं से हारने के बाद आंसुओं से रोया था और आंसुओं से रोया था कि हमने मेहनत की, लेकिन हमारी सफों में उस वक्त भी हमारी सफों के अंदर गद्दार मौजूद थे जो हमें कह रहे थे कि फारूक भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो पतंग के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे। तो तुम्हारे मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, वो शख्स या वो लोग ये बात करेंगे पतंग के खिलाफ इलेक्शन लड़ लिया। हमने पतंग के खिलाफ इलेक्शन नहीं, हमने बहादुराबाद के उस टोले के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। ये परचम की इज्जत हम करना जानते हैं, जैसे हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है, हम पाकिस्तान की इज्जत जानते हैं। इस तरह पार्टी के इस तरीके की इस तीन कला की परचम की इज्जत भी जानते हैं। इस परचम की इज्जत हम करना जानते हैं। इसी वजह से हम इलेक्शन लड़े थे। पता है आपको क्यों? इसलिए लड़े थे भाई कि हम जानते हैं तुम्हारी नियतों को। मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर ये मुंह खुल गया तो तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। तुम वो लोग हो कि जो एमकेएम को खत्म करने निकले हो, तुम वो लोग हो जो एमकेएम को तबाह बर्बाद करने निकले हो, तुम वो लोग हो जो शहीदों की कुर्बानियों का सौदा करने बैठे हो। सही है गलत? तो भाई हमने जो कंपेन की वो इसलिए की कि हम तहरीक बचाना चाहते हैं, अपनी एमकेएम बचाना चाहते हैं। हमने इलेक्शन लड़ा उन आठ के टोले के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। पतंग हमारी आज हमने रख दिए भाई, क्योंकि पतंग के कन्ने ढीले हो गए, पतंग के कन्ने ढीले हो गए तुम्हारी करप्शन की वजह से। अरे तुम्हारी करप्शन की वजह से पतंग में सुराख हो गए भाई। इस पतंग को हमने उतारा है, उतार के इस पतंग को हमें कन्ने सही करने हैं भाई। इस पतंग के अंदर अच्छे मांझे वाले उड़ाने वाले नस्लियाती कारकुनों से पतंग उड़वाएंगे। तुम जैसे लुटेरों कैप्शन करने वालों से इनकम को वापस लेंगे, इस पतंग को भी लेंगे। और रहा परचम, तो ये परचम देना चाचा, इस परचम को उठाने से किसी की मां का लाला मैं नहीं रोक सकता। ये एमकेएम हमारी थी, एमकेएम हमारी है और मरते तक ये एमकेएम हमारी रहेगी। सुन लो, ये एमकेएम हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। और इंशाल्लाह ताला ये परचम भाई, इस परचम पे तो माजी में 5 मरतबा नाम चेंज हो चुके हैं परचम पे।
पांच मरतबा, समझे? तो इसलिए हमने इस परचम को थामे रखा है और पतंग के कन्ने टाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और करप्शन करने वालों के भी कन्ने टाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये तमाम लोगों को पता है पीटीआई की गवर्नमेंट कब तक है भाई, तुम्हारी फाइलें इंशाल्लाह ताला तैयार है। बताओ कि पीएचडी के नेट की दुकानियां किस किस की चल रही है, सब पता है। मैंने कहा ना मुंह मत खुलवाओ भाई, हमारे पास करप्शन का पैसा नहीं है। हम तो आपस में 500 रुपए मिलके ये नजरियाती कारकुन आपस में 500 रुपए चंदा करके प्रदान करते हैं भाई। तीसरी बात, दो बातें समझ में आ गई, एमके हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। और हमने जो कंपेन की वो कंपेन हमने पतंग के खिलाफ नहीं, पतंग आज जिनके पास है, जिनकी वजह से एमके की यह हालत है, आज सोचने की जरूरत है अजीज तेरे की साथियों, एमके के नजरियाती कारकुनों, ये सोचने की जरूरत है कि कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर वोट मिलता, ये जुमला जो मैं कह रहा हूं ये सुनती आंखें और देखती आंखें और सुनते कान देख ले कि अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट मिलता तो 46 सीटों में से कराची के 3 वार्ड नहीं मिलते भाई, फिर आपको 40 वार्ड मिलते भाई। जोरदार होनी चाहिए भाई। तो इसका मकसद क्या हुआ कि 3 बार तुमने कराची फिर एक मरतबा दे दिया, जैसे 2018 के इलेक्शन में दिया था, इसी तरह के तुम्हें के बल्दियाती इंतखाबत में भी कराची दे दिया। ये हकीकत, मुझे पता है मैं सब जुमले कह रहा हूं क्यों, इसलिए कि आपको एमटीएम नहीं बचानी, एमपीएम नहीं बचानी, आपको अपनी करप्शन बचानी थी भाई। अगर आपको करप्शन नहीं बचानी होती तो शायद एमपीएम कराची की बच चुकी होती, लेकिन आपको करप्शन बचानी थी, अपने आप को बचाना था, जो आपने लूट मार का पैसा जमा किया है वो बचाना था। अगर एमपीएम बचानी होती तो आज इन जैसे कारकुनों की सब में खड़े होते और नजरिए के कारकुन नजरिए में मर मिटने वाले कारकुनों के साथ होते। सही है गलत, अफसर भाई गलत तो नहीं कहा मैंने, ये हुआ। मेरे साथ जो साथी काम कर रहे थे हैदराबाद में वो आंसुओं से रोए कि वसीम भाई जो हमने मेहनत की थी, जो हमने वोट डाले थे वो कहां चले गए भाई। वार्ड 2 के अंदर जो वोट डले, वार्ड 10 में जो वोट डले वो कहां चले गए भाई। लेकिन हम खामोश क्योंकि हमें पता है कि कुर्बानी बहुत बड़ी दी है, कराची की एमकेएम खत्म कर ली। आज ये एमकेएम के हैदराबाद के कारकुनों से सवाल करता हूं, हैदराबाद के कारकुनों के सवाल करता हूं, खुदा की कसम अगर एमकेएम मजबूत हो रही है, अगर एमकेएम पतंग के या भादुराबाद टोले से मजबूत हो रही है, तो खुदा की कसम अगर मजबूत हो रही है, इलाके में लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है, अगर उनको ट्रांसफार्मर एक एक महीने बाद अगर अपनी पैसों से चंदा करके वो लगा रहे हैं, अगर तुम लगवा रहे हो, पीने का पानी दे रहे हो, गैस की लोड शेडिंग खत्म करा दो, अगर तुम ये करने में कामयाब जाओ, अरे हम ओआरसी के सिस्टम को बंद करके तुम्हारे साथ आ जाएंगे। और अगर तुम कामयाब नहीं हुए और तुम अगर 3 साल में कामयाब नहीं हुए तो मैं उन हैदराबाद के चानिसार कारकुनान से कहता हूं, एमकेएम के नजरियाती कारकुनों से कहता हूं कि बैठे हमारे सारे भाई हैं, हम अपने तमाम हैदराबाद के कारकुनों से कि भाई कभी पूछा कि 12 नंबर की गलियां एक एक महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं लगते, पीने का पानी नहीं है, मासूम शाह कॉलोनी का हाल देखो, सर्वे 28 का हाल देखो, ओ भाई आप
किस बात पे इतना गढ़े आपको? सिर्फ इस बात के ऊपर कि आप गवर्नमेंट में, इस बात पे कि आप लड़कों को तड़िया लगाओगे? हमारी इलेक्शन कैंपेन में हमारे साथियों से बदतमीजी करोगे? गलत बात। आप हमारे भाइयों, आज इस पिंडाल के तवज्जो से मैं पैगाम देना चाहता हूं। फारूक सत्तार भाई आए, फारूक सत्तार भाई के साथ में वहां जब रैली जा रही थी, बदतमीजी छीनने की कोशिश की। ऐसा ना करें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सब एमटीएम के कारकुन हैं, हम भाई, हम शख्सियत परस्ती से हटे, हम शख्सियत परस्ती से हटे और कौम परस्त बने भाई। महाजिर कौम परस्त बने और आए, अगर महाजिर कौम परस्त बने, अगर महाजिर काम कर रहे हैं तो फिर उनका साथ। हमारे सारे भाई हैं, भादुरबाद में बैठे हुए लोग हमारे भाई हैं, हमारे सर के ताज हैं। आए एमटीएम बचाते हैं, आए एमटीएम को परवान चढ़ाते हैं, आए एमटीएम को आगे लेके बढ़ते हैं। लेकिन किसी की करप्शन की सजा कारकुनान क्यों भुगतते हैं? करप्शन की सजा कारकुनान क्यों भुगतते हैं भाई? क्यों शख्सियत परस्ती की तरफ लेके जा रहे हो आप सब? हम नजरिए के नजरिए पे चलने वाले लोग हैं भाई, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एमटीएम बचाएं। हमने 22 अगस्त को भी, ये हैदराबाद के अंदर 22 अगस्त के बाद भी जब 23 अगस्त हुई तो हम थे भाई, हम थे जो शीशा पलाई हुई दीवार बन के इस एमटीएम को बचाया। आज तुम सिंहल ऑफिस में जिस ऑफिस में बैठे हो, अरे मैं बोलना नहीं चाह रहा वो ऑफिस भी किसने लेके दिया पता है ना तुम्हें? नहीं बोलो ये बातें, नहीं करो भाई। हमें पता है कौन कितना नजरे आती है, हमें पता है कौन हक परस्त की बात करके कौन मफाद परस्ती कर रहा है। हमसे ना करो भाई, क्योंकि हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, क्योंकि हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। हम एक ही बात करते हैं कि अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा निजाम, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा निजाम, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम। ये काम हम नहीं करते भाई। बात समझ में आई? अरे समझ में आई? दोबारा बोल रहा हूं, हम वो मुनाफिक नहीं है भाई। हम खड़े हो गए तो खड़े हो गए, आधा तीतर आधा बटेर हमारे पास नहीं है। ये देखती आंखें और सुनते कान समझे कि मैंने क्या कह रहा हूं। ये अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा निजाम, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम। ये नहीं कर रहे भाई हम। हमने कह दिया 23 अगस्त को फारूक सत्तार भाई के साथ खड़े हो गए तो खड़े हो गए, पाकिस्तान पे मर मिटने के लिए खड़े होना था तो हो गए, नसरिया एमटीएम को बचाना था तो बचाने में कामयाब हो गए। और हम बात कर रहे हैं नजरिया, हम बात कर रहे हैं जिना के पाकिस्तान के नजरिए की, हम बात कर रहे हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के पाकिस्तान की। सिर्फ 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हैदराबाद के आवाम जिंदाबाद के साथ खड़े हैं भाई, अपनी महाजिर कौम के साथ खड़े हैं, अपने पख्तूनों के साथ खड़े हैं, अपने अमानों के साथ खड़े हैं, अपने मेहमानों के साथ खड़े हैं, अपने गुजरातियों के साथ खड़े हैं। हम वो काम नहीं करते भाई कि मुंह में कुछ और पीठ पीछे कुछ। बात समझ में आ गई होगी साथियों के भी, और मैं समझता हूँ शायद यहाँ पे जो लोग हों उनकी भी समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या कहा। मुझे बहुत सारे साथियों ने कहा वसीम भाई थोड़ा हल्का रखना, थोड़ा हल्का रखना। मैं हल्का कैसे रखूं भाई? कराची की 21 सीटों में से 4 सीटें लेके वफाकी वजीर बन गए, मैं कैसे सबर करूं भाई? एमकेएम की 19 वार्ड में से 10 वार्ड रह गए भाई, मैं कैसे सबर करूं भाई कि 25 एमएनए में से 6 एमएनए रह गए भाई, मैं कैसे सबर करूं 51 एमपीएस में से आज 21 एमपीएस रह गए भाई, आज कैसे सबर करूं 8 सेनेटर से 2 सेनेटर रह गए, मैं कैसे सबर करूं और कब तक सबर करूं? ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरी, चौथी बात, पीपल्स पार्टी,
आज के इस पंडाल के तवसुत से हम पीपल्स पार्टी को भी मुतनब्बे करने चाहते हैं कि हैदराबाद में फिल फोर, क्योंकि हम जानते हैं कि 18 अमेंडमेंट के बाद हैदराबाद की यूनिवर्सिटी जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में चेयरमैनों के पैसे से जाके जो इफ्तिदा किया था वो भावलपुर में रुक गई है भाई, वो हैदराबाद नहीं आ रही। हमने यूनिवर्सिटी की बात की थी, इंस्टीट्यूट की बात नहीं की थी। हम पीपल्स पार्टी से भी हैदराबाद की रिक्वेस्ट करते हैं, वजीर आला मुराद अली शाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि आए 18 अमेंडमेंट के बाद हैदराबाद के अंदर जिस तरह तुमने मीर मुखाज में यूनिवर्सिटी का इफ्तिदा करने जा रहे हो, एक तुमने असेंबली में रेजोल्यूशन में उसकी बिल पास किया, इसी तरह हैदराबाद के अंदर भी यूनिवर्सिटी का बिल लेके आए और हैदराबाद में फौरी तौर पर हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का ऐलान करें। सही है गलत भाई? हैदराबाद के लोगों को नौकरियां दें भाई, हैदराबाद के लोगों को नौकरियां दें। आज जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है गैस देना, बिजली देना, ये सारी किसकी जिम्मेदारी है भाई? फेडरल गवर्नमेंट की। 18 अमेंडमेंट के बाद यूनिवर्सिटी देना पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, नौकरियां देना पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। लेकिन कब तक ये जुल्म और सितम बर्दाश्त करते रहे? और भाई एक तरफ तो है सरकारी एमकेएम, एक तरफ तो है सरकारी एमकेएम, और भाई ये है नजरियाती एमकेएम। सुन लिया, ये है एमकेएम नजरियाती एमकेएम। तो बेहतर है कि पीपल्स पार्टी फौरी तौर पे बिलावल भुट्टो फौरी तौर पे हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का ऐलान करें। खुदा की कसम हम उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, हमें हैदराबाद शहर में यूनिवर्सिटी चाहिए। आज मुझे आप बताएं, खुदा को हाजिर नाजिर जानते, क्या हैदराबाद में 2018 के बाद लोड शेडिंग का अजाब है या नहीं है? आपसे जवाब चाहिए मुझे, जोरदार भाई आवाज नहीं आ रही भाई, जोरदार आवाज में दे बुजुर्ग है, लोड शेडिंग कितनी है भाई? पीने का पानी है तुम्हारे पास? गैस आती है तुम्हारे पास? अरे मर्दम शुमारी तुम्हारे पे मुस्तकिल बुनियाद पे मुसल्लत कर दी भाई, कर दी ना भाई? कहां है कोटा सिस्टम? 10 साल के लिए भुट्टो साहब ने नाफिज किया था, आज एमकेएम के बुजुर्गों ने बैठ के एक्सेप्ट कर लिया भाई। ओ भाई फिर आपने क्या किया भाई? आपको किस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर हम आपके साथ आए? हम क्या कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आपसे इनके पास आए भाई? अगर आप अच्छी कारकर्दगी करते तो आज यहां पे इतने लोग जमा नहीं होते। ये वो लोग हैं भाई जो 2013 से 18 जिन लोगों के साथ हम खड़े हुए थे, 2013 से 18 तक ये गवाही देंगे हैदराबाद की आवाम कि इनके पास 3-3 घंटे की सिर्फ लोड शेडिंग रहेगी, सिर्फ ट्रांसफार्मर फौरी तौर पर लगते थे, पीने का पानी इनको मिलता था। आज क्या हो गया भाई? आज कल भी हम एमकेएम के एमएनए थे, आज भी एमकेएम के एमएनए, तो आज ये बात क्यों फर्क आ गया भाई? सही हालत तो सोचने की जरूरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से गुजारिश, आगे बढ़े। खुदा की कसम इस पिंडाल की तरफ से, हैदराबाद सोन की तरफ से, पिंडाल की तरफ से ये मुतालबा करता हूं, आगे बढ़े और जाके फारूक सत्तार भाई से मुलाकात करें। ये शहर आपके साथ होगा फारूक भाई ने कहा। आप फारूक सत्तार भाई के बाजू पकड़े, हमारी फारूक सत्तार भाई से बात हुई है। फारूक सत्तार भाई कहते हैं कि अगर खालिद भाई आगे बढ़ाए और तंजीम को आगे चलाने का फार्मूला बनाए हम उनका साथ देंगे। और खालिद भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको खौफ सदा होने की जरूरत नहीं है। अरे हम हैदराबाद के नजरियाती कारकुन आपके साथ देंगे अगर फारूक भाई का आपने हाथ पकड़ा तो। सही है, तो फारूक भाई की तरफ से यकीन दिलाए खालिद भाई आगे बढ़े चाहे फारूक सत्तार भाई के साथ। और भाई हमारे कारकुनान को फोन करना बंद करो भाई,
हमारे कारकुनान को फोन करना बंद करो भाई, उनको धमकियां देना बंद करो भाई। देखती आंखें सुनते कान, देखें कि हमारे कारकुनान को इलेक्शन के बाद धमकियां दी जा रही हैं, उनके साथ बदतमीजियां की जा रही हैं। ऐसा ना करें भाई, क्योंकि आपको पता है हम कितने सादा लोग हैं। आप मुझे जानते हैं हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कितना शरीफ है आप लोगों के साथ, क्यों मजबूर कर रहे हैं भाई? ना करें ना करें ना करें, एमकेएम बचाने के लिए पढ़ते हैं। और जो आज 500 हजार 2000 रुपए के लोग हैं ना भाई, उनसे छुटकारा पाए, नजरियाती एमकेएम के काफिले को बढ़ाएं। हम आपका साथ देंगे, आए कोशिश करें एमकेएम को बचाने की। अगर आज आप कराची में 10 वार्ड ले रहे थे और हैदराबाद में 7 वार्ड कहते लेते, तो शायद हम समझते कि हमारी सियासत खत्म हो गई। लेकिन आपने 3 तो लिए कराची से, 7 लिए यहां से, तो आपने कराची पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल शहर है भाई, इंटरनेशनल शहर। आपने कराची से इनके मुंह खत्म कर लिया। क्या राबता कमेटी में समझदार लोग नहीं है? अरे डरना छोड़े, राबता कमेटी के अरकान डरना छोड़े, पीठ पीछे बातें करना छोड़े, और नहीं कहें कि फारूक भाई सही है। अरे अगर फारूक भाई सही है तो राबता कमेटी के निकले पैर, और पैर निकल के कहे राबता कमेटी है कि तुमने क्या चीज का सौदा कर लिया, तुमने 2018 में भी सौदा कर लिया, जेंटलमैन के बल जाती इंतखाबात में भी सौदा कर लिया। हम फारूक भाई के पास जा रहे हैं और खालिद भाई को कन्विंस कर रहे हैं इनके बचाने के ऊपर। आए भाई सही है गलत? हाथ बुलंद करके बताएं सही है गलत? सलखोर से खालिद भाई को तो आज दावत देते हैं हैदराबाद की तवस्सुस से, इतने बड़े प्रोग्राम में हाथ बुलंद करके फारूक सत्तार भाई के लिए हम खालिद भाई से कहते हैं कि चाहे खालिद भाई जाके फारूक सत्तार भाई के साथ बैठे और इस एक गेम को बचाए। खुदा की कसम हैदराबाद का एक एक कारकुन आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन जाना खालिद भाई को फारूक भाई के पास पड़ेगा। भाई आपको पता है क्या, आपने इलेक्शन में 7 सीटें जीत के क्या खोया? जीत के 7 सीटें आपने क्या खोया? और हमने हार के कारकुनों को पा लिया। भाई देख लो हमने कारकुनों को पा लिया। वो कहते हैं ना कि जख्मों से पेविस्ता जिस्म सही, जख्मों से पेविस्ता जिस्म सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो। जख्मों से पेविस्ता जिस्म सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो। खुद तुर्कुश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी तुमने हारी है, ये बाजी तुमने हारी है। समझ में आया? ये तुम जीत के भी क्या खोया तुमने और हम हार के भी क्या? अबे तुम समझ रहे थे हारने के बाद हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे? अबे हम तो वो लोग हैं भाई कि 35-33 साल इस एमकेएम में बड़े उतार देखे, बड़े चढ़ाव देखे, सारी चीजें देख के बैठे भाई। समझे ना? समझ में आया? तो तमाम साथी जबरदस्त खराज तहसीन के मुस्तैक हैं। तो तमाम साथी खुदा की कसम यकीन करें आपके हमारा दिल इतना खुश है कि हम, क्योंकि हम जानते थे कि एक तरफ वार्ड 2 के अंदर एक वार्ड में एक हकीकत और बयान कर दूं, वार्ड 2 के अंदर हमने 210 वोट लिए भाई। सही बात है। कितने? 210। और हैदराबाद में कौन से नंबर पे आए? 4 नंबर पे। एक तरफ गवर्नमेंट, एक तरफ पीटीआई की गवर्नमेंट का कैंडिडेट खड़ा था, तालियां बजती रही जाइए, एक तरफ पीपल्स पार्टी का वजीर आला सिंह का नुमाइंदा खड़ा था, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान के इत्तेहादी पतन का निशान खड़ा था। नारे हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ 210 वोट लिए, और खुदा की कसम ये वो वोट थे जिन्होंने मेहनत की, 500 रुपए चंदा करके उन्होंने
लोगों ने मेहनत की, हमने 100-100 रुपए आपस में साथियों में डिस्ट्रीब्यूट करके काम किया, मेहनत की। हमारे पास हराम की कमाई नहीं थी भाई, हमारे पास करप्शन की कमाई नहीं थी। हम वो लोग थे कि हमने 22 अगस्त के बाद भी 23 अगस्त पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ नारे के साथ खड़े हुए, और आज तुम जिस एमकेएम की बात करते हो, आज तुम जिस पतन की बात करते हो, अरे ये एमकेएम भी हमारी बदौलत तुम्हें मिली, ये ऑफिस भी हमारी बदौलत तुम्हें मिला, ये पतन भी हमारी बदौलत तुम्हें मिली। अगर है तुमने फारूक भाई साथियों से बात कर लेंगे 5 मिनट, फारूक भाई आपके टेलीफोन के ऊपर ही हम आपसे, फारूक भाई आप लोगों का तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करेंगे। नारे 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 मुहाजिर, नारे बलबता, कौन करेगा रे नुमाइ, फारूक भाई आवाज देरी क्या बात है, नारे भाईजन फारूक भाई हैदराबाद के माशाल्लाह से नजरियाती साथियों से मैंने कहा अपनी गुफ्तगू के दौरान में कि फारूक भाई ने कहा है कि मैं हैदराबाद के साथियों से आ नहीं सका, मसरूफ थे। फारूक भाई आपका तमाम साथियों का दिल की गहराई शुक्रिया अदा करेंगे। फारूक भाई बात कीजिएगा, मैं माइक के ऊपर लगा रहा हूँ भाईजन। आज भी वो
मुझे यकीन है कि आपने भी जिस तरह मेहनत की, जिस तरह घर घर गए, जिस तरह लोगों को मोबालाइज किया, अरे आपने 84 की एम्ब्यूलेंस को दोबारा जिंदा कर दिया। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा।
क्या कहा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा। ये कहा ना फारूक भाई ने। इसी के साथ एक जुमला बढ़ा दूं, इख्तिताम करते हुए एक जुमला बढ़ा दूं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अरे चोरों का वक्त आया है, ईमानदारों का दौर आएगा। तुम्हारे खातिर में दिल की गहराई से बहुत बहुत शाबाश शाबाश शाबाश। और तमाम साथी बैठे, मैं मिनिस्ट्री की कमेटी से दरखास्त करूंगा कि गुलबाशी करें, गुलबाशी करें, तमाम साथियों गुलबाशी। इनको हार भूलना नहीं। तमाम साथी अपनी सीटों पे नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ तशरीफ रखें, तमाम साथी अपनी निशिस्तों पे तशरीफ रखें, तमाम साथी अपनी निशिस्तों पे तशरीफ रखें। सैयद वसीम हुसैन भाई अराकीन और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के साथ आपके पास गुलबाशी के लिए आ रहे हैं। तमाम साथी नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ अपनी निशिस्तों पे तशरीफ रखें। तमाम साथी अपनी निशिस्तों पे नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ तशरीफ रखें। तुम्हारा